ये ए डाटा का अल्टीमेट सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है उसमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ इसकी जो स्पीड है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो इसको आप देख सकते हैं और इसमें जो है अभी जो फीचर है वो 3D NAND ये इसको यूज किया है और इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ी है। जो इसका नंबर है वो SU650 है। तो एक तो ये जो सीरीज है SU650 और ADATA, तो ये आप देख सकते हैं इस साइड से। अभी फिर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के लिए मुझको ये यहाँ से करना होगा। तो ये अभी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको आप देख सकते हैं SU50 और इसकी साइड अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस साइड से बैक साइड फॉर द केस पर्पज और इस साइड में ये किस ऐसा टकेबल के पॉइंट हो सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये 240 GB की है, इसकी कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 3100 रुपीज़ है। तो इसकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो आपको मैं दिखाऊंगा जैसे ही सिस्टम असेंबल करेंगे। सॉलिड स्टेट जो ड्राइव है ADATA की अल्टीमेट सॉलिड स्टेट ड्राइव SU650 के जो स्पेसिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। रिसेंटली अभी क्या किया है मैंने, अपना जो PC है वो अपग्रेड किया है। तो यहाँ जो परचेज किया है मैंने वो SSD परचेज किया है और वो ADATA का है। एक्चुअली फीचर क्या है, अल्टीमेट जो SU650 सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसके पास में 3D NAND जो फ्लैश टेक्नोलॉजी है और जो हाई स्पीड जो है प्रोवाइड करती है आपको। और यहाँ इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आप देख सकते हैं, अप टू 960 GB। ये वन इसकी जो रीडिंग एंड राइटिंग परफॉर्मेंस है, रीडिंग ये कर सकता है 520 MB/s और राइट कर सकता है 450 MB/s तक, राइट। और एंड ग्रेटर रिलायबिलिटी है और एज कम्पेयर टू दिस वन द फीचर जो अभी आप 3D NAND जो टेक्नोलॉजी है इन AGPC अपग्रेड, एक्चुअली ये फ्लैश जो है मेमोरी उसके थ्रू ये डाटा सारा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, राइट। तो वो फास्ट है, जो वहाँ कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी है वो कम है। और इसका फास्टर परफॉर्मेंस का रीजन ये है कि इंटेलिजेंट जो SLSC कैचिंग एल्गोरिथम है वो अलाउड करता है NAND फ्लैश मेमोरी को टू ऑपरेट इन सिंगल लेवल सेल मोड एंड बूस्ट परफॉर्मेंस, राइट, एज कम्पेयर टू जो आपकी मैकेनिकल हार्ड डिस्क है। तो यहाँ जो मैक्सिमम इसकी रीडिंग कैपेसिटी है वो 520 है, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ। राइटिंग जो है वो 450 MB/s है। ये टेक्निकल पार्ट एडवांस एरर करेक्शन यहाँ पे जो दिया है और इसका लाइफ टाइम, इसको मेंटेन करना इजी है एज कंपेयर टू जो हार्ड डिस्क ड्राइव है। नो मैकेनिकल कंपोनेंट इनसाइड द SSD, और वो अभी आपने देखा कि जो NAND टेक्नोलॉजी है उसी के थ्रू वो उसको अपग्रेड किया हुआ है। जो ट्रेडिशनल SSD है उसके हाई रेजिस्टेंस टू शॉक वाइब्रेशन है एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर इतना है। दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली साइलेंट एंड कंज्यूम वेरी लिटिल पावर, जो ये आपका ADATA का सॉलिड स्टेट ड्राइव है। इसकी जो कंपेरिजन था उसमें मैंने फाइंड आउट किया कि जो ADATA है वो अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, रीडिंग राइटिंग जो कंपेरिजन था। मैंने ये परचेज किया है 240 GB के लिए,
तो कोई नॉइज नहीं है, एंटी वाइब्रेशन है, शॉक प्रूफ है, अगर गिर भी जाए तो तब भी सेफ है, राइट। तो ये इसके पार्ट थे। स्पेसिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पेसिफिकेशन जो ए डाटा ये SU650 है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि कैपेसिटी वेरी कर रही है 60 GB से लेके 960 GB तक, और फॉर्म फैक्टर है 2.5 इंच, और 3D नैंड टेक्नोलॉजी यूज किया है नैंड फ्लैशेस के थ्रू, और इसके जो डायमेंशन है एक्चुअली वो 10 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ये लेस देन 1 सेंटीमीटर है, तो 7 mm का। तो इंटरफेस जो है ये साटा जो है 6 GB पर सेकंड का रेट है, वो नॉर्मल जो केबल है आपके साटा केबल उसके थ्रू, और ये इसकी रीडिंग एंड राइटिंग जो है एबिलिटी।